अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला, पाकिस्तान के जिले इलाही इमरान खान नियाजी को गोली पड़ गई है। क्या? पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक मुल्क है, वहाँ पे गोली चलना मामूली सी बात है। सही बात। चाहे सियासी कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, अभी उनके एक पत्रकार को भी, अरशद शरीफ को भी केन्या के अंदर मरवा दिया गया था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलता था। तो इमरान खान को मारने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये बंदा इतना ढीठ है, गेंडे की खाल का बना हुआ है, बंदे को गोली छू भी नहीं पाई और लग गई किसी और को। दो चार जने घायल हुए, एक नागरिक मारा गया है, बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। और इमरान अल्लाह वाला चौक के करीब जो है वो फायरिंग का वाकया पेश आया है और चार कारकुनों के जख्मी होने की इत्तलात हैं और फायरिंग के बायस भगदड़ भी मच गई। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो महफूज हैं। ये वाकया जो है वो पेश आया है फायरिंग का। इस टाइम आप देख सकते हैं, आपका थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। और ये खून जी मैं खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा था, अहमद चट्ठा साहब थे उसके साथ, खान साहब थे, तीसरा मैं था। हमें तो यकदम फायरिंग की आवाज आई है और ये आप खून के दाग देख सकते हैं इस टाइम। और ये वो शख्सियत है, अपना नाम भी बताएं, ठीक है? मैं मुस्तनसर साई, ये सारा ये पीटीआई के जो उनसे हैं वर्कर भी हैं और यहाँ के मरकजी जो अपना इलाका ही रहनुमा भी है। ये खान साहब का खून है, ठीक है? ये खान साहब का खून है सारा। देखो ना, ये दिखाएं जी, अगर कैमरा दिखा सके के खान साहब। अच्छा मुझे ये बताएं, फायर आया, फायर इधर से निकला, इधर से लगा और इधर से निकला है। इसमें कोई दो राय नहीं, अगर पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता है तो वो है इमरान खान। और जिस प्रकार से इमरान खान को सत्ता में लाया गया और जिस प्रकार से इमरान खान को सत्ता से हटाया गया, इससे इमरान खान पूरी तरीके से बौखला चुके थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ, अपनी आर्मी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा था और जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं सबके खिलाफ। तो इमरान खान ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। तो इस तरीके से इमरान खान ने जो पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग है, पावरफुल कॉलोनी है, उसके अंदर ही अपनी दुश्मनी का झंडा गाड़ दिया था। और इमरान खान पे गोली चलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो मर भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक कोई मुल्क थोड़ी ना है, वो तो बनाना रिपब्लिक मुल्क है। और ये मैं नहीं कहता, ये वहाँ के रिपोर्टर ही कहते हैं। खान साहब ने बोले कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है इस टाइम, यानी जंगल का कानून है। खान साहब की इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब नहीं होगा? खान साहब जो हकायक है वो बयान कर रहे हैं, हकायक बयान कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, क्या कहेंगी? इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। इमरान खान की पॉपुलरिटी से पाकिस्तान की सरकार डरी सहमी तो पहले से ही थी, और ये इमरान खान पे जो गोली चली और सरकार ने हड़बड़ाहट में आके अगर ये कदम उठा दिया है ना, तो उन्होंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। इमरान खान तो मरा नहीं, और उसकी जो पॉपुलरिटी है उसमें चार चांद और लग जाएंगे। लोगों की सिंपति उसको जितनी मिल रही है उससे कहीं ज्यादा मिलने लग जाएगी। वह हालांकि पाकिस्तान की सरकार के जितने भी लोग हैं सबने दुख जाहिर किया है, यहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी ने भी दुख जाहिर किया है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो स्टंट किया गया है ये हमारे केजरीवाल से प्रेरित होकर इमरान खान नियाजी ने किया। बस फर्क इतना है कि हमारे केजरीवाल जी थप्पड़ जूते शाही फिकवाते हैं और इन्होंने सीधा गोली चलवा ली। अगर ये काम इमरान खान ने करवाया तो समझ लीजिए इमरान खान एक परफेक्ट नेता बन चुका है। सही बात है। और जिसने गोली चलाई मैं आपको उससे भी मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले घटना के समय जो इमरान खान की बगल में खड़े हुए थे इन भाई साहब से जानते हैं आखिर हुआ क्या था। ये फोकस करें जी, देखे ये इस टाइम आपको हम सूरत हाल जो है वो दिखा सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनसे बेहतर जो हकायक है, जो वाकया पेश आया, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए इनसे ही बात करते हैं। आप जा रहे थे, मैं भी मौजूद था पीछे। अगर बात करें तो वाकया छत से फायर हुआ है, नीचे से फायर हुआ है, कितने लोगों को फायर लगा है आप जरा बताएंगे तफसील से? नहीं, हमें ये तो नहीं पता कि फायर किस वक्त छत से आया या नीचे से आया, लेकिन ब्रस्ट की आवाज आई है, साथ ही हम गिर गए हैं, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो एक लड़का था, उसने जब फायरिंग की है ना तो सात लड़के ने उसके उनकी गन पकड़ के गन नीचे कर दिया, तो उसका एंगल खराब हो गया। अदरवाइज वो तो सीधी गोलियां मार रहा था ना, तो बस मैं यही कहूंगा कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। आगे लाए अमल क्या है? कोई आपको अभी रابطہ हुआ है खान साहब से या जो उनके साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं उनसे कोई रابطہ हुआ? आगे क्या लॉन्ग मार्च कैंसिल करने का प्लान है या फिर कुछ और आगे मजीद आगे लेकर जाने का? रابطہ तो अभी किसी से नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं होगा बल्कि और शिद्दत से निकलेगा। आप पहले मैंने पब्लिक की राय, हम इनको इस्लामाबाद में अब घुस के मारेंगे। पीटीआई के जो रहनुमा है, मरकजी रहनुमा खान साहब के साथ शायद उस टाइम पे मौजूद थे या फिर हॉस्पिटल से आ रहे हैं, आपको बताता चलूं कि साथ मौजूद थे। मुझे ये बताएं वाकया पेश कैसे आया, क्या मामलात क्या हुए? ये हम बिल्कुल खान साहब की बैक साइड पे खड़े थे और सामने से एक लड़का था, उसने काला यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में मोदर था, उसने फायर किया और अल्लाह का शुक्र है जो उसके साथ एक लड़का था
उसने उसका पकड़ के बाजू नीचे की है और फायर ऊपर की बजाय नीचे टांगों में चले गए। अभी खान साहब को आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं या क्या आपको तो जो इन्फर मैं तो कंटेनर में था खान साहब के साथ उनको उठाया और अल्लाह ताला ने कर्म किया और उनकी जान कितने फायर लगे हैं खान साहब खान साहब को 3-4 फायर लगे हैं टांगों अभी आप जैसा कि देख सकते हैं इनके भी यहाँ पर खून लगा है और शायद ये खान साहब का ही खून लगा होगा क्या 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 कहते हैं मैंने खान साहब को वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल गए अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और ये बताएं इस टाइम जो कंडीशन बन चुकी है पाकिस्तान में इमरजेंसी का माहौल नाफज है और कहा जा रहा है कि तारीख दोबारा दोहराई जाएगी माशाल्लाह की सिचुएशन अगर आती है कौन जिम्मेदार होगा नून लीग है ज़हनी तौर पर ये बदमाश जमात है और ये ज्यादती कर रही है और इंशाल्लाह पीटीए के हौसले जो आए और खान साहब के हम साथ हैं ठीक है। आगे का क्या लाए अमल है लॉन्ग मार्च यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा या फिर क्या कहते हैं ये तो देखें जी खान साहब का फैसला क्या करते हैं अल्लाह उनको जिंदगी दे फिर वो जो ऐलान करते हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह होगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की जो कंटेनर पर उस टाइम मौजूद थे उनसे बात की हमने इस टाइम पाकिस्तान में देखें क्या इस टाइम हर कोई गुस्से में है अफरा तफरी का माहौल है अगर एक्सप्लेन किया जाए तो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि खान साहब को कहा यह जा रहा है पेट पर गोली लगी है इस टाइम कंटेनर की तरफ भी हम चलते हैं आपको कंटेनर के मनाजिर दिखाते हैं गोली जो लगी है कुछ कह रहे हैं टांग पर लगी है किसी का कहना है पेट पर लगी है लेकिन जराए के मुताबिक ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि खान साहब को गोली लगी है ना सिर्फ खान साहब को बल्कि मरकजी रहनुमा जो साथ पीटीआई के दूसरे लोग मौजूद थे उनको भी गोलियां लगी हैं। आगे पाकिस्तान की जो अब ये मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हालात किस साइड पे जाते हैं एमरजेंसी नाफज होती है मार्शल लॉ नाफज होता है या फिर क्या मकासिद है इस तरह के हमला करने के क्या मकासिद हैं जिन्होंने ये किया है उनके क्या मकासिद हैं ये सब आगे आपको बताते चलेंगे दिखाते चलेंगे। अब ये वही शख्स है जिसने इमरान खान पर गोली चलाई थी। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? हाँ। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है उधर टैक लगा के शोर कर नहीं ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया दिन से सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची जिसने से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सला? मेरे पीछे कोई नहीं है मैं अल्हम्दुलिल्लाह के तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? कोई भी नहीं अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था बाइक अपनी पे आया हूँ अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शोरूम। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शोरूम ठीक। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंदे ने 2 घंटे पहले गोली चलाई 2 घंटे बाद इसका बयान भी आ गया ये आ गया ये सब देखने के बाद में मेरे को लगता है कि कोई ना कोई घाला मेली हुई है कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है नहीं तो इतनी जल्दी इतना सब हो जाए और अब बंदे ने इकबाले जुर्म भी कर लिया और कह रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं मिला हुआ। पाकिस्तान में वैसे भी आप जानते हो जिहादियों की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान आर्मी के पास में एक से एक ट्रेंड किए हुए आतंकवादी है उनमें से किसी एक को भेज दिया होगा जा बेटा तेरे को पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को सलटा गया लेकिन ये तो इमरान खान की किस्मत अच्छी है गेंडे की खाल का बना हुआ इन बंदा है भाई साहब मरा ही नहीं क्योंकि जिस वक्त वो फायर कर रहा था उस वक्त वहां पे एक शख्स और था उसने देख लिया और उसने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया तो इमरान खान पे जो निशाना लगने वाला था वो चूक गया। किस्मत का धनी तो है ये बंदा मरा नहीं भैया खेलेगा भी और खेलेगा पाकिस्तान को और जलील करेगा और जितना जलील इमरान खान ने पाकिस्तान को किया है आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है हालांकि जलील तो सारे नेता करते हैं लेकिन इमरान खान की बात ही कुछ और है। तो आप लोगों को क्या विचार है आप लोगों को क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर इमरान खान के ऊपर 2-4 गोलियां आप भी मारते हुए जाइएगा क्योंकि पाकिस्तान में चली गोली से तो वो बच गया लेकिन आपकी चली गोली से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान को इमरान खान को और शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान की आर्मी को फैलते हुए मस्त मस्त कमेंट फैल दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाक मिले से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।